देश में कोरोना संकट का रूप रोजाना बड़ा ही होता जा रहा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 125,000 के आंकड़े को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पूरे प्रदेश में 5,700 से अधिक लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है, लेकिन इस लॉकडाउन का एक दूसरा पहलू भी है। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, काफी रोजगार खत्म हुए हैं और लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर रखी है। इस बीच योगी सरकार ने भी रोजगार को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई है। ये योजना प्रदेश की महिलाओं को पैसा कमाने के मौके देने से जुड़ी हुई है। आइए आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 50,000 से अधिक बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी तैनात की जाएंगी। योजना के मुताबिक ये सखियां लोगों के दरवाजे तक जाकर उनके लिए बैंकिंग सर्विस मुहैया कराएंगी। इससे एक तरह से दो हित सधेंगे, एक तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा तो कोरोना संक्रमण फैलने का जोखिम भी कुछ कम जरूर हो जाएगा। योजना के मुताबिक बैंकिंग सखियों को 6 महीने के लिए हर महीने के हिसाब से 4,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा डिवाइस के लिए भी अलग से 50,000 रूपए दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बैंक ट्रांजैक्शन कराने पर उन्हें कमीशन के रूप में भी एक इनकम मिलेगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ नए आदेश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण का टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाकर रोजाना 10,000 तक ले जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में वायरोलॉजी लैब स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।